आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। लोकप्रिय भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया का नाम लेकर मिथ्या प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी। मोदी जी की गारंटी और विकास की नीतियों से प्रभावित हो जनता पुनः भाजपा पर विश्वास जता रही है। यही कारण है कि सामने नजर आ रही हार को देखकर कांग्रेस इतना बौखला गई है कि वो जनता में हर प्रकार का भ्रम फैलाने से भी नहीं चूक रही है। ये बात भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री राजपाल सिंह सिसोदिया ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही। श्री सिसोदिया ने कहा कि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार की घटती लोकप्रियता के चलते अब कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र में भ्रम फैलाने और मिथ्या प्रचार पर आ गई है। श्री सिसोदिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी टेली कॉलिंग के माध्यम से जनता तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु जब ट्रू कॉलर पर महेश परमार का नाम आता है तो क्षेत्र की जनता उनका फोन नहीं उठाती है। इसी से खिन्न हो कांग्रेस प्रत्याशी अब लोकप्रिय नेता एवं सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी के नाम का सहारा ले रहे हैं, जिससे जनता भ्रमित हो फोन उठा लेती है। इसकी आड़ में कांग्रेस प्रत्याशी अपना प्रचार कर रहे हैं। श्री सिसोदिया ने कहा कि कांग्रेस का इस प्रकार का कृत्य न सिर्फ जनता को भ्रमित कर रहा है, अभी तो ये भारतीय दंड संहिता एवं सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत दंडनीय अपराध की भी श्रेणी में आता है। श्री सिसोदिया ने कहा कि उज्जैन आलोट क्षेत्र की जनता इतनी जागरूक और समझदार है कि इस मिथ्या प्रचार और भ्रम फैलाने का दंड कांग्रेस को आने वाली 13 मई को अवश्य देगी। कांग्रेस के द्वारा भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया जाता रहा है, ये हम आरोप लगाते तो उसको प्रत्यक्ष में साबित करने का कृत्य भी यहाँ के उज्जैन आलोट लोकसभा क्षेत्र के महेश परमार जी ने करने का काम किया। वो टेलीकॉलिंग के माध्यम से जो कॉल सेंटर चला रहे हैं वहां से उनका जब फोन जाता है तो उनकी लोकप्रियता नहीं होने के कारण उनका कॉल मतदाता उठाता नहीं है, तो उन्होंने ट्रू कॉलर पर फाल्स और मिथ्या तरीके से हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वर्तमान सांसद श्री अनिल फिरोजिया जी का नाम सेट करवा दिया। अब जब मतदाता के मोबाइल पर कॉल जाता है तो अनिल फिरोजिया जी का नाम लिखा हुआ आता है, अनिल जी का कॉल समझकर वो उठाते हैं और उसमें फिर कांग्रेस के लोग अपनी बात करने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से आपराधिक कृत्य करने का काम कांग्रेस और कांग्रेस के उम्मीदवार करने का काम कर रहे हैं। 417, 419 और 420 IPC का यह अपराध बनता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2008 की भी धारा 43, 46, 68A, 68C का यह एक्ट होता है। कानूनी कार्रवाई की जाए, इस संबंध में एक हम आवेदन SP महोदय को दे रहे हैं। तत्काल इस प्रकार के फर्जी लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है, भय फैलाने का काम कांग्रेस कर रही है, और महेश परमार ने तो यहाँ पर इस बात की पराकाष्ठा कर दी है, भयभीत करके, भ्रमित करके और मत पाना चाहते हैं। ये दोगला चरित्र इनका जो है वो सामने आने का काम हुआ। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।